हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एफ टी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और आज के इस नए वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए 100 डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। गाइज घबराई बताने वाला हूं कि कैसे आप 100 बैकलिंक्स बनाएंगे अपने वेबसाइट के लिए, वो भी 100% डू फॉलो बैकलिंक, वो भी हाई क्वालिटी DAPA के साथ। तो इसका पूरा लिस्ट जो है मैंने तैयार किया हुआ और मैं आपको दे दूंगा। आपको एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लिंक को पा सकते हैं, कैसे डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वर्डपैड में 101 वेबसाइट आपके लिए फाइंड आउट की है जहाँ से जाके आप डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से विदाउट किसी प्रॉब्लम के। और सारी जो बैकलिंक्स है वो हाई DAPA वाली बैकलिंक्स है, जहाँ पर आप बैकलिंक मिलेगा वो भी डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा। तो आपको करना क्या है गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिंक दिया हुआ है, सब पे आपको विजिट करना और डू फॉलो बैकलिंक बना लेना है। तो चलिए मैं एक वेबसाइट पर आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप ब्राउज़र में चले जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट बनाने होंगे, कुछ वेबसाइट्स पे आपको सिंपली कमेंट करना है। तो मैं सबको आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। सिंपली देख सकते हैं इस वेबसाइट पर हमें अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली हमें अपने बेसिक्स डिटेल्स जो होते हैं वो भरने होते हैं गाइज, जैसा कि देख सकते हैं अपन नेम, पासवर्ड, ईमेल। और आपको सारी वेबसाइट पर एक ना एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा ज़रूर जहाँ पर आपको अपना होम पेज या लिंक देना होगा। जैसा कि देख सकते हैं हमें यहाँ पर होम पेज का एक ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पर हम अपने वेबसाइट का लिंक या URL पोस्ट का URL दे सकते हैं। देन इसके बाद सारे स्टेप्स को पूरा करने के बाद हमें क्रिएटेड के बटन पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही हम क्रिएटेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा अकाउंट है वो बन जाएगा। तो अब हमें इसे कस्टमाइज़ करना है, तो इसके लिए सिंपली हम क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सिंपली एडिटेड के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडिटेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं आपको इन ऑप्शंस को जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। जैसा कि देख सकते हैं ऑटोमेटिक लॉगआउट को आपको सिंपली नो कर देना है। जैसे ही आप इसे नो करेंगे आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको कुछ छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी, सिंपली यहाँ पर सेव इट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप सेव इट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है बन चुका है, पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया। आपको तो दोबारा वर्डपैड की फाइल पर आना है, दोबारा इस लिंक पर दोबारा क्लिक करना है, या यहाँ पर आप दोबारा विजिट होंगे तो आपके सामने अब सारे जो ऑप्शन हैं वो खुल चुके हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है गाइज, जैसा कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर बिगिन अ न्यू टॉपिक के बटन पर क्लिक करना है। आप अपने अप्लाई में भी अपना लिंक दे सकते हैं। तो मैं बिगिन अ न्यू टॉपिक के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चंस पूछना है, वो भी म्यूज़िक से रिलेटेड। जैसा कि देख सकते हैं म्यूज़िक का क्वेश्चन है, तो म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो सब्जेक्ट में गाइज मैं डाल देता हूँ म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइज मैंने म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट डाल दिया। थ्रेड डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आई वॉन्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूज़िक, फिर मैं अब यहाँ पर थ्रेड डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। अब यहाँ पर मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको लिंक देना है, लिंक के बटन पर क्लिक करके आप अपने वेबसाइट का लिंक या URL यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको सिंपली लिंक के बटन पर क्लिक करना है, URL पेस्ट करना है। देन इसके बाद लिंक नेम में आपको जो भी कीवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं इस पर सिंपली लिख दूंगा आंसर दिस। इसके बाद करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो लिंक है वो बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली पोस्ट इट के बटन पर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जैसा कि देख सकते हैं मैसेज आ गया कि हमारा क्वेश्चन था वो जो पोस्ट हो चुका है। आप सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख जैसा कि देख सकते हैं हमारा एक बैकलिंक यहाँ पर बन गया। अब हम सिंपली इस पर क्लिक करके देखेंगे कि ये डू फॉलो है नो फॉलो, तो सिंपली इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। देन इसके बाद इंस्पेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस ऐसा करने पे देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी नो फॉलो नहीं लिखा, जिसका मतलब है कि 100% डू फॉलो बैकलिंक है। तो गाइस अब देख लेते हैं इस वेबसाइट के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं वेबसाइट पूरी तरीके से काम कर रही है, हमारे वेबसाइट इससे ओपन हो जाती है। अब गाइस देख लेते हैं इस वेबसाइट के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर बैकलिंक बनाने लायक है कि नहीं। तो सिंपली इसका मैं URL कॉपी करूँगा, उससे पहले मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट SEO चेकर। अब इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इससे पहले मैं यहाँ पर लिंक कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस वेबसाइट पर दोबारा आऊँगा, पेस्ट करूँगा आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को सॉल्व करूँगा और यहाँ पर सिंपली चेक के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो बस जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टैट्स आ चुके हैं। DA इसका 44, PA 41 और स्पैम स्कोर 1%। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये देख सकते हैं 21 साल पुरानी वेबसाइट है। तो अगर आपको यहाँ से बैकलिंक मिलता है तो समझ सकते हैं उससे कितना आपको बेनिफिशियल होगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं अब यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स ऐसे ही मैंने आपको दिए हैं। कुछ मैं आपको सिंपली कमेंट करना है, कुछ मैं आपको सिंपली अकाउंट बना के प्रोफाइल लिंकिंग करनी है। तो बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सब पे आप अपना डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ, तब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे आप इन पर बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं किसी भी एक लिंक को दोबारा
सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर आपको बैकलिंक बना के दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक लिंक को सेलेक्ट कर लिया, अब इसे मैं ओपन करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं ब्लॉगस्पॉट वाला एक लिंक है, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट करना है, कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर मैंने पहले ही अपना बैकलिंक बना रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं रवि कुमार एफटी थॉट्स का लोगो है और मेरा नाम है और यहां पर मैंने बैकलिंक बनाया हुआ है। अगर इसे मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा इस तो आप पाएंगे कि मेरा जो पोस्ट है वो खुल जाए। तो गाइज़ ऐसे ही आप भी अपने लिए बैकलिंक्स बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। 101 बैकलिंक बनाएंगे आप तो समझ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे क्या बूस्ट होगा, क्या आपको ट्रैफिक आएगा। और सारी जो बैकलिंक्स की ये वेबसाइट है पूरी नई और सब पे मैंने अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रखा है, तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको साइट्स के जो इसका जो वर्डपैड का लिंक है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है techem.com और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर सिंपली जो सबसे पहला पोस्ट है तमिल योगी 2090 डाउनलोड, ये मैंने पोस्ट लिखा, इस पर आपको आना है और यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे गाइज तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डू फॉलो बैकलिंक्स का लोगो दिख रहा है। अब यहाँ पर विजिट हेयर टू डाउनलोड बैकलिंक लिस्ट पे क्लिक करना है। तो गाइज अब अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको इस वीडियो को 100 लाइक्स देना पड़ेगा। 100 लाइक्स मिलते ही इसका मैं जो लिंक है यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा और आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं पोस्ट नहीं करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग 100 लाइक्स देंगे या नहीं, इसी के बाद मैं इसका लिंक आपको दूंगा। तो थैंक यू गाइज, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए।